हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट फोर्थ, जो इसमें पूरी पोर्ट्रेट कंप्लीट करूँगा। तो इस वीडियो में बैकग्राउंड भी दिखाएंगे, किसी भी पोर्ट्रेट को बैकग्राउंड कैसे देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, फर्स्ट लेयर HB पेंसिल से। जब भी शेडिंग की बात आती है तो सबसे पहले मैं बेस लेयर देता हूँ ब्रश या कॉटन पेपर या टिश्यू पेपर से बेस लेयर, जिससे बेनिफिट ये होगी कि अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। मैं जो भी पेंसिल अप्लाई करूँगा वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी पेंसिल को अप्लाई करते हैं पेपर पे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती है। जो पेंसिल का जो डायरेक्शन में यूज़ होता है वो टेक्सचर वहीं पर पेपर पर विजिबल हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले बेस लेयर दे देते हैं ब्रश या टिश्यू पेपर से, जो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि शेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी पोर्ट्रेट या ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए शेडिंग की जो लेयर होती है, लेयर बाय लेयर की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर शेडिंग अच्छी नहीं होगी तो पोर्ट्रेट उतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी टेक्सचर इतने अच्छे नहीं होंगे। इसलिए शेडिंग को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने के लिए लेयर बाय लेयर उनको शेड करना आना चाहिए। इसके लिए आपकी स्किल्स और प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखेंगे। और जब भी शेडिंग स्टार्ट करें तो जो जो पेंसिल आप शेडिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लें, क्योंकि उसकी जो लीड होती है वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, जिसकी वजह से शेडिंग की जो पेंसिल की जो ड्यूरेशन होती है वो ख़त्म होने लगती है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी शेडिंग करता हूँ तो मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसकी लीड जो होती है 0.5 mm की ही होती है, तो वहाँ से मुझे शेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और मैं ज़्यादातर ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि जब डिफरेंस में लाइट शेडिंग हो और स्मूथ शेडिंग हो तो मैं मेकअप ब्रश और टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ, और जब स्किन टोन या रियलिस्टिक टेक्सचर देना हो तो वहाँ मैं सिर्फ ब्रश का यूज करता हूँ और एक फोम जो स्पंज टाइप का होता है उसे यूज़ करता हूँ। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एरिया में शेडिंग करनी होती है वहाँ पे ब्रश यूज़ ना करके मैं उसे यूज़ करता हूँ, जैसे कि A2 पेपर हो गया उस साइज पे। सो मैं मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे टेक्सचर आ रहे हैं, और इसे ब्लेंड करेंगे टिश्यू पेपर से। सो आप देख सकते हैं मेरे रेफरेंस इमेज में उतनी कितनी लाइट शेडिंग है, और मैं मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे डार्क एरिया से, जहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई कर यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि एक जब भी शेडिंग की बात आती है तो एक पेंसिल से भी डिफरेंट टाइप की शेडिंग हो सकती है। अगर आप शेडिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा शेडिंग की, कि एक पेंसिल को प्रेशर से, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस रहता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा वहाँ पे डार्क हो जाएगी, जहाँ लाइट प्रेशर दीजिएगा वहाँ पे लाइट ही रहेंगे, स्मूथ शेडिंग ही रहेंगे। सो एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा शेडिंग की। सो रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए हम देख सकते हैं मैं हेयर के टेक्सचर को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं हेयर में डायरेक्टली मैं डार्क पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो हेयर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए उसके लाइन्स और उसके टेक्सचर को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर बिगिनर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें,
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा और आपकी स्किल्स डेवलप होंगे। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आइडियाज़ आते रहेंगे कि कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा टूल्स कहाँ पे यूजेबल है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बिगिनर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें। सो मैं हैंड को सेट कर रहा हूँ उंगली बाई उंगली ऑब्जर्व करते हुए, फिंगर्स को बीच में और डार्क एरियाज जो है उसे ऑब्जर्व करते हुए। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डार्क एरियाज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ मैंने नहीं किया है, 6वीं पेंसिल का ही यूज़ किया है और फिंगर्स को 4वीं पेंसिल से जो गैप है बीच का जो डार्क है वो 4वीं पेंसिल यूज़ किया हूँ। अब मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हुए उसका टेक्सचर दे रहा हूँ, HB मैकेनिकल पेंसिल, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं मेकअप ब्रश का ही यूज़ किया हूँ। अब बारी आती है क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स की मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, फर्स्ट लेयर HB पेंसिल से, क्योंकि जब मैं ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ करूँगा तो ग्रेफाइट पाउडर को मैं डायरेक्टली पेपर पर यूज़ नहीं करता हूँ, उसे या तो बेस लेयर देने के बाद ही यूज़ करता हूँ या फर्स्ट लेयर पेंसिल से देने के बाद ही यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट लेयर मैंने HB पेंसिल से दे दिया है, अब ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेफाइट पाउडर और चारकोल पाउडर दोनों में डिफरेंस होती है। चारकोल पाउडर बहुत ही डार्क होती है, जो चारकोल जैसे कि आपको पता ही होगा आप ड्राइंग करते हैं तो चारकोल पाउडर बहुत ही डार्क होती है, और ग्रेफाइट पाउडर आप जैसे पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट उससे बनी होती है ग्रेफाइट पाउडर। सो क्लोथ्स के जो डार्क एरियाज हैं उसे ऑब्जर्व करते हुए मैं चारकोल पाउडर से हाईलाइट और उसके डार्क पोर्शन को ऑब्जर्व करते हुए चारकोल से उसके डार्क एरियाज को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, पेंट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो फाइबर का है, हेयर के नीचे के जो डार्क एरियाज हैं उसे भी चारकोल पाउडर से ही ड्रॉ किया हूँ। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड करने के लिए मैं फोम का यूज़ किया हूँ। अब बैकग्राउंड की बात आती है तो मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हल्की से एकदम हल्की से टेक्सचर चाहिए वहाँ पे, और इसे फोम से ब्लेंड कर दिया हूँ। अब इसे बॉर्डर दे रहे हैं साइड की, तो मैं कॉटन टेप का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो पेपर ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मैं इरेज कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉर्डर बन चुकी है। अब बारी आती है ऑब्जर्व करते हुए फाइनल टच की, सो मैं फिर से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए इसके फाइनल टच दे रहा हूँ, इसके हेयर टेक्सचर्स और हेयर लाइंस को ऑब्जर्व करते हुए, जहाँ पे कर्ली हेयर है वहाँ पे भी हल्के हल्के से, क्योंकि यहाँ पे अब फिनिशिंग की बात आते हैं तो हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि मेरा आर्ट वर्क अच्छा दिखे, एकदम परफेक्ट दिखे। सो ये फाइनल टच ख़त्म हो चुका है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।